गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्यवाला सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल। सो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। फाइन, सो क्योंकि आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं उन सबको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है और इसके नोट्स हमको कैसे बनाने हैं। क्योंकि यूजुअली जब मैं एक या दो स्लाइड पढ़ा चुकी होंगी तब बच्चे आप मुझसे पूछोगे, मैम ये सब लिखना है क्या? हाँ, इसमें हर एक चीज आपको लिखनी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर का हमारा ओवरव्यू जो है वो कैसे रहेगा। ओके, तो देखो सबसे पहले जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा, वो है हमारी प्लांट लाइफ। फाइन, प्लांट लाइफ को हम लोग बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे और वो सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगी, आपको लिखनी है बेटा। वो है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। और जब हम शूट सिस्टम में आएंगे बेटा तो हम शूट को फर्दर डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब आपको यहां से मतलब जब ये स्लाइड आगे जाएगी बेटा, यहां से हर एक चीज जो है उसको लिख लेना है। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको थोड़ा सा जल्दी लिख पाए, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप एनी हाउ आपको जो पीडीएफ मिलती है उसमें से आप नोट्स बना लेना। तो हम लोग समझते हैं प्लांट जो है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। हम जानते हैं बेटा कि प्लांट से हम लोगों को फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। हम जो कुछ भी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं, ये सब चीजें हमको कहाँ से मिल रही है बच्चे? ये सब चीजें हमको प्लांट से मिल रही है। और एक चीज जो बिना प्लांट के हमको कोई नहीं दे सकता, हो सकता है हम अपनी फूड हैबिट को शिफ्ट कर लें, हम बिल्कुल कार्निवोरस बन जाएं, हम बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर ही सर्वाइव करें। बिना प्लांट के कोई भी नहीं दे सकता। तो प्लांट हमको ऑक्सीजन भी देते हैं और इसके साथ साथ हमको फूड भी देंगे। गुड, प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं बेटा? लैंड पर, माउंटेन्स पर, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने माउंटेन टेरेन वाला चैप्टर खत्म किया है, मैंने आपको इकोसिस्टम वहां पे समझाया था। तो माउंटेन्स पे भी ग्रो करेंगे, इवन डेजर्ट और पानी के अंदर भी हमारे प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे। क्लियर? लैगिंग हो रही है? ओके, मैं जस्ट एक मिनट में ठीक कर देती हूँ उसको। अब हो सकता है बेटा अब थोड़ी सी लैग जो है वो नहीं हो। क्लियर? ओके, तो यहां पर प्लांट हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्लांट की लाइफ की बात करते हैं तो प्लांट को हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। तो हम लोग प्लांट में बोलते हैं बेटा, एक होता है हमारा रूट सिस्टम, यहां से आपको लिखना शुरू करना है, और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम। इसी तरह से हम इसको पूरा पढ़ेंगे, रूट और शूट। क्लियर? तो पहले मैं आपको लिखवाती हूं कि रूट जो है वो क्या होती है। तो पहले हम लोग रूट सिस्टम की बात करते हैं। हम सबको पता है रूट क्या होता है, देखिए हम लोगों ने थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि रूट जो है वो हमेशा जमीन या मिट्टी के अंदर होती है। तो रूट क्या है बेटा? अंडरग्राउंड पार्ट है हमारे प्लांट का, और ये ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रो करती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? जियो पॉजिटिव। क्या बोलेंगे बेटा? जियो पॉजिटिव। जो भी चीज ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है बेटा उसको क्या बोलेंगे? जियो पॉजिटिव। नो, यू डी नॉट टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ डायग्राम अनलेस आई टोल्ड यू। ओके, और जो रूट होती है बेटा वो दो तरह की होती है। पहली होती है टैप रूट, ये सब लिखना है आपको, और दूसरी होती है फाइब्रस। फाइब्रस टैप रूट और फाइब्रस रूट, लिखो इनको फटाफट फटाफट।
डन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा टैप रूट। तो टैप रूट की पिक्चर्स यहाँ पर मैंने लगाई है बेटा। कुछ टैप रूट हम लोगों ने देखी भी होती है, जैसे हम लोगों ने रेडिश मूली देखी होगी, हम लोगों ने कैरेट यानी कि गाजर देखा होगा, हम लोगों ने बीटरूट चुकंदर भी देखा होगा। ये सारी की सारी टैप रूट है। बेसिकली ये सब हमारे को फ्रूट नहीं है बेटा, ये सब रूट है जो हम लोग खाते हैं। तो इसमें एक मेन थिक लॉन्ग रूट होती है। ये जितनी भी पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रही है बेटा, ये सारी की सारी रूट है, अंडरग्राउंड पार्ट है। और इसी एक मेन रूट से, जैसे ये मेन रूट है, मतलब मानो कि मैंने एक गाजर बनाया है बेटा, तो ये मेन रूट है जिसे हम लोग टैप रूट बोलते हैं। और इसी से ना छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी वीक सी रूट निकलती है। तो अगर आप किसी पौधे को देखते हो, बिल्कुल टर्निप ऑल्सो बेटा है ना, अगर आप हम किसी रूट को देखते हैं और हमें एक ही रूट दिखाई देती है, तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाती है हमारी टैप रूट। और ये इतनी मोटी कैसे हो गई, क्योंकि ये फूड को स्टोर करती है, जैसे बीट रूट, कैरेट, बीन है ना, टर्निप, रेडिश, ये सब हमारी क्या हो गई बच्चे, ये हमारी टैप रूट हो गई। आपका टैप रूट का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, वो एग्जाम्पल से पूछा जाएगा। क्लियर, लिखो इसको फटाफट। खाया भी होगा ना, देखी क्यों, खाया नहीं है, गाजर नहीं खाया, मूली नहीं खाया, चुकंदर नहीं खाया, ये सब तो खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है तो खाना भी चाहिए। तो हम लोग टैप रूट को बेसिकली खाते हैं, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट जो रूट है बेटा, दैट इज फाइबर रूट। इसमें कोई मेजर मोटी रूट नहीं होती, सभी इक्वल साइज की है, डिवाइड करती जाती है और हमको एक फाइनल मास ऐसे देगी। एक रूट डिवाइड होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एग्जाम्पल लिली, ग्रासेस, वीट, राइस, पाम, हमारे घर में जितने भी अदर देन दैट वो मोटी मोटी रूट के पौधे होते हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे पास में टैप, ये सॉरी फाइब्रस रूट है। तो ऐसी हमें मल्टीपल रूट्स यहाँ पर नजर आती है। हम अपने घर में पौधों को देखते हैं ना, कभी कभी हम उनको रिपॉट करते हैं तब, तो वो कुछ ऐसी नजर आती है। सारे टैप रूट खाए, टर्निप खाया है, नाइस, बढ़िया, यस, फाइब्रस रूट बेटा। कुछ घर में इतने सारे पौधे होते हैं ना, वहां पे देखो सारे के सारे फाइब्रस रूट है। नीचे जाती है, डिवाइड होती रहती है, ऐसे डिवाइड, डिवीजन से एक रूट होती है, फिर उससे डिवाइड होगी, फिर रूट से डिवाइड होगी, ऐसे ये डिवीजन से ही पूरा का पूरा मास बनता है। क्लियर है, शाबाश, ओके भागीरथ बेटा, एक ही बार आप लिखो कमेंट है ना, लिखा है ना बेटा, ग्रास फाइब्रस रूट है, ग्रासेस जो भी होती है ना, ये लिखा है ग्रासेस फाइब्रस रूट है बेटा, डन। चलो अब हम लोग लिखेंगे, ये देखो कुछ इस तरह की हमको घर में हम लोगों ने देखी है ये वाली सब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चा फंक्शन, हमारी रूट के फंक्शन क्या है। So, रूट जो है हमारी प्लांट को ग्राउंड से अटैच करती है। इमेजिन करो, अगर रूट ना हो तो क्या हमारा प्लांट जो है, इतने बड़े बड़े जो हम लोग पेड़ देखते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं? नहीं, वो गिर जाएंगे। तो रूट क्या करती है बेटा, उनको अटैचमेंट देती है। रूट वॉटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। अगर रूट नहीं हो, आपने कोई पौधा लगाया और उसके अंदर रूट ना डेवलप हो,
तो आपका पौधा कभी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट को वो पानी वो मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, देन ये हमारी टैप रूट है जिन्हें हम लोग खाते हैं, और हमारी रूट सॉइल को भी बाइंड करती है और सॉइल इरोजन को रोकती है। अगर पौधा जहां पर भी हम लोगों ने मिट्टी है बेटा, और मिट्टी में अगर पेड़ नहीं है कोई भी, तो वो मिट्टी लूज हो जाएगी, गिरने लगेगी। हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हम देखते हैं मिट्टी गिर रही है। क्यों गिर रही है बेटा? क्योंकि उस मिट्टी को सॉइल को बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। क्लियर हर्ष? तुम रुका तो करो थोड़ा सा। मैम इरोजन का मतलब बता रही, उससे पहले तुम क्वेश्चन लिख देते हो। मैम व्हाट इज इरोजन? क्यों राधिका आप क्यों नहीं खा सकते बेटा? वीट क्यों नहीं खा सकते? ग्रासेस से फाइबर नहीं मिलता भाई, ग्रासेस में फाइबरस रूट होती है। सूर्या क्या कर रहे हो? उसमें रूट फाइबरस होती है बेटा। ओके चलो, ओके अब हम देखेंगे बच्चे, ये तो हमारा अंडरग्राउंड पार्ट हो गया जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको प्लांट में दिखता ही नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा कौन सा पार्ट जो कि हमारे इससे ऊपर है। किससे ऊपर है बेटा? हमारी जमीन से ऊपर की तरफ है। फाइन, अब देखो शूट सिस्टम जो है बेटा वो एरियल पार्ट है। व्हाट डू वी मीन बाय एरियल? एरियल का मतलब जो ऊपर हमको नजर आता है। रूट तो हम लोगों ने सबने नहीं देखी है ना, कोई कोई देख लेता है। इससे हमारा प्लांट ग्रो करता है। इसके अंदर क्या आएगा बेटा? स्टेम, उसकी ब्रांचेस, लीव्स, बड्स और फ्लावर्स। लिखो, लीफ नहीं होता बेटा, लीफ होता है। और लीफ एक होता है, जब हम उसको बहुत ज्यादा नंबर्स में बोलते हैं तो वो लीव हो जाता है। मैंने लिखा है लीव वहां पे, देखो मैं कुछ भी नहीं भूलती हूं। चले ओके, चलो अभी मैं आपको पहले दिखाऊं। ये देखो बेटा, ये हमारा शूट सिस्टम है। तो इसको तो भूल जाते हैं अभी हम लोग, है ना? ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं। ये तो रूट है, ऊपर देखो तो हमारा एक स्टेम है, ग्रीन बना देती हूँ ना, तो ये हमारा स्टेम है बेटा। फिर स्टेम की ब्रांचेस है, इनके ऊपर लीव्स है, फिर कुछ के ऊपर बर्ड्स आएंगी, फिर उन बर्ड्स से फ्लावर आएंगे, और फिर हमारे फ्रूट आएंगे। तो मैं एक फ्रूट भी बना देती हूँ उसके ऊपर। तो मैंने सब चीजें लगा दी तुम्हारे लिए, देखो ये लीव, ये बड, ये फ्लावर और ये फ्रूट, अलोंग विथ ब्रांचेस ऑफ स्टेम, ये सब क्या कहलाता है बेटा? शूट सिस्टम। ठीक है, ओके राधिका, ओके बेटा। अभी क्लियर? हाँ, तो एक होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीव, जब बहुत सारी हो जाती है तब हम उनको बोलते हैं लीव। क्या बोलेंगे? लीव, दैट ब्लूम, ब्लूम ऐसे खिल जाएगा वो। फ्लावर है ना, तो बड ऐसे बड़ी बंद है और वो ऐसे खिल जाएगा। ओके चलो, अब एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेम को। तो स्टेम अपर पार्ट को सपोर्ट करता है और ये लाइट की तरफ ग्रो करता है।
तो हम इसे बोलते हैं फोटो पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? फोटो पॉजिटिव, क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। आप लिख ले सकते हो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम इसलिए देती हूँ ताकि कई कई बार होता है ना, बच्चे ऐसे शिकायत करते हैं, बोलते हैं मैम हम लोगों ने लिखा नहीं। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, खड़ा, सीधा, है ना, दैट इज इरेक्ट। चलो अब हम स्टेम को थोड़ा सा जानते हैं। कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थिक और वुडी होते हैं, ऐसे स्टेम कहलाते हैं ट्रंक। इमेजिन नीम का पेड़, आम का पेड़, हम लोगों ने पीपल का पेड़ देखा होगा, हम लोगों ने बैनियन ट्री देखा होगा, उनके स्टेम कितने ज्यादा बड़े होते हैं, कितने ज्यादा वुडी होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रंक। बट हर प्लांट का स्टेम ट्रंक नहीं होता, कुछ का मोटा तो होता है पर सॉफ्ट होता है। जैसे बनाना, अगर आप लोगों में से किसी के घर पे बनाना का ट्री हो तो बनाना का जो बेटा स्टेम होता है उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। मोटा होता है नो डाउट, पर वो ग्रीन होता है और वो सॉफ्ट होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ग्रीन वीक स्टेम होते हैं और इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, बिकॉज वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इरेक्ट एकदम सीधे खड़े हो जाए। जैसे वाटरमेलन, मनी प्लांट। वाटरमेलन के साथ में आप मस्क मेलन ले लो बेटा, आप इवन पंपकिन ले लो, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, क्योंकि ये वीक है तो ये हमेशा या तो जमीन पर क्रीप करेंगे तो हम इनको क्रीपर बोलते हैं, और ऐसा होगा कुछ सहारों के साथ में चढ़ेंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। ओके, लिख लो इसको, एग्जाम्पल साथ में लिखते रहना। ओके, नाउ लेट मी शो यू। सो दिस इज ट्रंक बच्चे, और वो सॉफ्ट सा स्टेम है अगर आपने कभी बनाना देखा हो तो। क्रीपर का मतलब होता है उत्कर्ष, जो क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, वो एकदम ऐसे पीपल के, नीम के पेड़ की तरह खड़े नहीं होते, वो हमेशा ऐसे जमीन पर चलते होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स। ओके सी दिस, ये ना जमीन पर ही है, ये पूरा स्टेम है ये इसका। और ये मनी प्लांट, ये तो हम लोगों ने अपने घर में देखा होगा, पपीते का स्टेम होता है। मनी प्लांट ये वाला, नीचे वाला। यस, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन, इवन योर पंपकिन, दोज आर क्रीपर्स बेटा। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे फंक्शन जो कि हमारे स्टेम के होते हैं। तो स्टेम क्या करता है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के हर एक हिस्से तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो फूड प्रिपेयर करती है हमारी लीव, उनको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जैसे कि पोटैटो, जिंजर, है ना, हम ऑनियन भी लिख देते हैं, ऑनियन, गार्लिक, इनको हम लोग खाते भी हैं। ये सब चीजें लिखो।
बिल्कुल। तो कोका जो होता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है, कोका का प्लांट जो है वो भी क्या होता है, वीक होता है। तो ऐसे जो स्टेम्स होते हैं उनको किसी दूसरे के सहारे, कोई पोल या कोई दूसरा प्लांट है उसके सहारे वो क्लाइम करते हैं। ओके, वेल डन। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे हमारी लीव। तो लीव एक होती है बेटा, तो हम लोग उसको बोलते हैं लीव। अगर बहुत सारी होंगी तो हम उसको बोलेंगे लीव, फाइन। तो लीव जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज की होती है। हम लोगों ने देखा है हमारे घर में कितने सारे प्लांट प्लांट होते हैं, तो हम देखते हैं लीव्स के ऊपर बेटा वैक्स की कोटिंग होती है, मतलब वैक्स मोम की। कुछ बच्चों को याद होगा मैंने आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाया था बच्चे, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पौधों में वाटर का लॉस होता है। इस लॉस को रोकने के लिए लीव के ऊपर एक हल्की पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है, इसीलिए जब हम लीव को देखते हैं तो वो हमें थोड़ी सी शाइनियर दिखती है। लीफ का जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे मैं बनाऊं एक लीफ यहाँ पे, चलो तो एक लीफ यहाँ पे बना लेते बेटा, ये लीफ मैंने बनाई है। तो लीफ का जो ये फ्लैट सरफेस है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या लेमिना। इसके ऊपर इसे हम लोग बोलते हैं मिडरिब। आप कोई पत्ती देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं वेल। और लीव के ऊपर टाइनी टाइनी ओपनिंग्स होती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं की वजह से लीव जो है उनसे ट्रांसपिरेशन भी होता है और वो एक्सचेंज कर सकती है गैसेस को। पहले आप इतना लिखो, फिर मैं आपको और समझाऊंगी स्टोमेटा के बारे में। वैक्स की लेयर की कोटिंग वो होती है ना कि प्लांट के ऊपर नेचुरली बेटा एक वैक्स की लेयर होती है, जिसकी वजह से प्लांट से ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा कम होता है, नहीं तो ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट को बहुत वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले तुम्हें स्टोमेटा दिखाओ। तो दिस इज स्टोमेटा, और ऊपर लीफ देख लो आप एक बार। तो स्टोमेटा की वजह से क्या होता है बेटा, देखो मैं लीफ बना लेती हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये लीफ की वेन्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओपनिंग बना देती हूँ, ये स्टोमेटा आएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, रिसीव करते हैं, और ऑक्सीजन को हमारे लिए क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। गुड, बना लो सर इसको। ओके चलो लीफ के फंक्शन देखेंगे। लीफ करती है बेटा फोटोसिंथेसिस। लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है लीफ, वाटर लेती है, वाटर कहां से आया, रूट से, और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। बस दिस इज व्हाट वी कॉल एज फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें क्या जरूरी होता है बेटा, इसमें जरूरी होता है सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। और लीफ के लीफ क्योंकि हमारे लिए फूड बनाती है, तो इसको बोलते हैं फूड मेकिंग फैक्ट्री। इसके अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कहलाता है क्लोरोफिल।
और ये मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया, ठीक है, लिख लो इस रिएक्शन को। ओके सो डियर स्टूडेंट, आप लोग प्लीज इसको लिखिए, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके ओके आई होप हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पार्ट कर लिया। ओके कुछ जो हमारी लीव्स होती है बेटा उनको हम लोग खाते भी हैं, जैसे मिंट हम लोग खाते हैं, कैबेज हम लोग खाते हैं, फाइन। आप लोगों ने स्पिनिच का नाम सुना होगा, तो स्पिनिच पालक जो है बेटा वो हमारे लीव ही हैं जिनको हम लोग खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इतनी बड़ी कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। इवन हम करी लीव्स खाते हैं, करी लीव से खाने का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है और ये हमको ऑक्सीजन भी देती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसीलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं, और आप इसके साथ में इसको ऑक्सीजन फैक्ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर लीव्स नहीं होंगी तो प्लांट से हम लोगों को फूड और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं मिलेगा। क्लियर है, इसको लिखो फिर हम लोग फ्लावर के ऊपर चलते हैं। डन, चलो लास्ट पार्ट तक पहुंचते हैं, दैट इज फ्लावर। मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, और ये स्ट्रक्चर, कलर, सेंट सब में डिफरेंट होता है। फाइनली हमारा जो फ्लावर होता है वो फ्रूट बताता है और इसके अंदर हमको मिलते हैं सीड। तो हम लोग फ्लावर को क्या लिखते हैं बेटा, जो कि रिप्रोडक्शन करता है, तो हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। ठीक है, सीड जर्मिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आई डोंट थिंक तो क्या उसको उसमें आपको कोई भी तकलीफ होनी चाहिए। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। गुड, तो हमको स्ट्रक्चर, कलर, सेंट हम लोगों ने देखे भी है खूब सारे फ्लावर्स,
गुलाब का होता है, जास्मीन का होता है, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने सनफ्लावर भी देखा है। तो ये सारे के सारे फ्लावर देखने में भी एक दूसरे से अलग होते हैं, स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। और इनसे वापस आगे फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं। ओके, तो फ्लावर के यूज क्या होते हैं, इनसे पॉलिनेशन होता है बेटा। पॉलिनेशन इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम या फिर जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो अट्रैक्ट करते हैं बेटा। उसकी वजह से जैसे हम कुछ रोज जैस्मिन की बात करते हैं तो इनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जो है ये हम खाते हैं, ये एडिबल फ्लावर है हमारे, ठीक है, इनको लिख लो साथ साथ। ओके, अथर्व कह रहा है मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी पोजीशन बरकरार रखूं। इतनी रेस में क्यों भागना है, बरकरार रखूं मतलब क्या होता है, पोजीशन कभी किसी की नहीं होती बेटा। पोजीशन तो इसीलिए होती क्योंकि वो चेंज हो। आज तुम फर्स्ट आए हो, कल कोई दूसरा आएगा, फिर तुम वापस आ जाओगे, कोई दूसरा आ जाएगा, बस खत्म। हम पोजीशन को मतलब ऐसे घर थोड़े ना लेके जाएंगे, ओ मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, इतना क्यों भाग रहे हो लाइफ में, चिल करो थोड़ा सा। ओके, नाउ सैफ्रन, जिसे हम लोग केसर भी बोलते हैं बेटा, ये हमें क्रोकस फ्लावर से मिलती है। और क्लब, जिसे हम लोग लौंग बोलते हैं बेटा, वो खुद एक ड्राई फ्लावर है। फ्लावर को हम लोग डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, इससे बुके बनाया जाता है बेटा, गार्लेंड्स और रंगोली भी बनाई जाती है। तो हम लोग फ्लावर को मेनली डेकोरेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें समझने की कोई चीज नहीं बेटा, इसमें सिर्फ लिखने की चीज है, इसको लिखो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा प्लांट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल के जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको, लेकिन वो हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।